चिन्ह है। माननीय अभिषेक झा जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के हमारे सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय रविन्द्र सिंह जी एवं मित्रों, आज के संवाददाता सम्मेलन का मूल उद्देश्य जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजनीति की भीड़ में अलग किस्म से घोषणा पत्र पर नहीं, निश्चय की बुनियाद पर चुनाव लड़ा, 2015 का विधानसभा चुनाव वो निश्चय कमिटमेंट और कमिटमेंट का एक महत्वपूर्ण अंश था हर घर बिजली, आज उसी पर ये केंद्रित है और इसकी चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि जब बिहार और झारखंड संयुक्त था, जब बिहार में कोयला खदान था, तो बिहार के घर घर तक बिजली नहीं पहुंच पाई और बिहार और झारखंड बंटने के बाद इस योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संकल्प के बदौलत घर घर तक बिजली पहुंचा दिया। और गौरतलब यह है, यह चुनावी वर्ष है, इसलिए हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं 1988-89 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने 10,234 करोड़ का विशेष पैकेज, बिहार पैकेज का ऐलान किया था, उसमें ऊर्जा भी शामिल था, ऊर्जा के क्षेत्र में भी दायित्व निर्धारित किया गया था। 1989 से लेकर 2005 के कालखंड में उस विशेष पैकेज में जो ऊर्जा की चर्चा थी, उस कंपोनेंट का क्या हुआ, ये विपक्ष को बताना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2005 में जहां ऊर्जा का बजट जो था, और आज 2020 के बजट में आप देखेंगे तो 271.30% की वृद्धि हुई है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है, खासकर के कोविड-19 के दौर में यह विधानसभा चुनाव हो रहा है और जब कोविड की चुनौती आई, एकमात्र रास्ता बताया गया था कि लॉकडाउन को सफल करिए। 79% गांव की आबादी है बिहार में, अगर घर घर बिजली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचाते तो लॉकडाउन सफल कैसे होता, यह सवाल बिहार की जनता के सामने है। तब संक्रमण दर को हम कैसे नियंत्रित कर पाते, बिजली की उपलब्धता हमने सुनिश्चित किया, जिसके चलते कोविड-19 की चुनौती से जूझने में हमारा से एक महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका में रहा, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं। और उसी कालखंड में जब कोविड-19 की चुनौती से हम जूझ रहे थे, अगर घर घर मोबाइल चार्ज करने की बिजली उपलब्ध नहीं रहती तो कैसे लोग अपने सगे संबंधियों से बात कर पाते। और शिक्षा की बड़ी चुनौती आई उस समय कोरोना काल में, ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था सुनिश्चित किया गया, अगर बिजली नहीं रहता तो उस दौर में जब कोविड-19 की चुनौती से हम जूझ रहे थे, हमारे बच्चे, हमारे बेटा बेटी, जो तात्कालिक समाधान का रास्ता निकाला गया था कि ऑनलाइन एजुकेशन इनको दिया जाए, तो ऑनलाइन एजुकेशन का क्या होता, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जो तीसरा घटक हमारा था हर घर बिजली, उस दिशा में जो हम लोगों ने काम किया है वह बिहार की जनता को एहसास है। अभी तो राजनीतिक ऊर्जा का समय है, लेकिन घर घर ऊर्जा दिखाई पड़ रही है। बिहार के हर गांव में आप चले जाइए, चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, तमाम जगह पर बिजली का जो बल्ब चमकता है और उस गांव का जो वातावरण बदला है, जो आम लोगों की सोच बदली है, वह बिजली की उपलब्धता ने सुनिश्चित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दौर में जब आर्थिक चुनौतियों से हम जूझ रहे थे, बिहार जैसा राज्य कोविड-19 की चुनौती से जूझ रहा था,
उस समय कृषकों के हित में बिजली के दर में कमी कर दी। बिजली के दर में 8538 करोड़ जो तत्काल और अब तो राशि और बहुत आगे बढ़ गई जो हम लोगों ने खर्च किया, उस समय हम लोगों ने बिजली के दर में कमी कर दिया। इसलिए यह कमी सुनिश्चित किया कि कम से कम बिजली के की उपलब्धता किसानों को रहेगी। तो राज्य सरकार के द्वारा जो तयशुदा कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत उनको लाभ देना है, इसके अलावा जो राज्य सरकार तात्कालिक मदद कर सकती थी किसानों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में एक सार्थक प्रयास किया और पूरे पारदर्शी तरीके से बिजली विभाग को हम लोगों ने चलाया। कंपनी बना कर करके, विनियामक बोर्ड बना कर करके, सब्सिडी की राशि वह तमाम जितने बिजली के प्रपत्र होते हैं उसमें सब्सिडी की राशि भी अंकित रहती है कि हम इतना सब्सिडी दे रहे हैं। और बिहार में हमने ये तय किया है कि हर खेत तक हम बिजली पहुंचा देंगे। अब तक 1,42,000 किसानों ने सिंचाई और कृषि संबंधित कार्यों के लिए कृषि फीडर के माध्यम से कनेक्शन लिया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बिजली की जो उपलब्धता है उसको हम लोगों ने जैसे सुनिश्चित किया है, तो बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिजली की उपलब्धता, ट्रांसमिशन क्षमता, पावर कंजम्पशन और अन्य मापदंडों पर बिहार देश भर में बेहतर काम कर रहा है। और साथ ही साथ हमको ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि जब दिल्ली में ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ तो बिहार के ऊर्जा के क्षेत्र में हर घर बिजली जो हमारी योजना थी उस योजना को केंद्र सरकार ने सराहा और कहा कि इसको प्रयोग में पूरे देश के अंदर लाने की जरूरत है। तो ये निश्चित रूप से बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है और लगातार हम बिजली के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, क्या हालात थे इस बिहार में और कौन गुनाहगार था इसके लिए, आर्थिक पैकेज में भी ऊर्जा की बात कुछ प्रगति शून्य, राज्य सरकार जब बिहार और झारखंड एक था उस समय ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया जाना था, वह काम भी नहीं किया गया। तो 2005 में आप देखेंगे कि 337 पावर सब स्टेशन था और आज 1074, 218.69% का काम इसमें प्रगति हुआ है। चाहे ग्रिड सब स्टेशन हो, 53 था, आज 151। और उपभोक्ता देखिए, कंज्यूमर जो बिहार में बढ़े हैं, 2005 में 27,56,260, तो 2020 में 1,42,65,691। पावर डिमांड कितना था, 1,293 मेगावाट, 95 मेगावाट 2005 में, और आज 2020 में 6,040। आज कृषि कनेक्शन है 2,42,639। और आप तमाम लोग गवाह हैं इस बात के, क्या हालात था इस बिहार में, जो जर्जर तार रहते थे वो लटका हुआ रहता था, लोग उस पर कपड़ा सुखाते थे, कितने लोगों की दुखद मौत हो गई थी उस दौर में, कोई देखने वाला नहीं था। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में 83,066.6 किलोमीटर हमने जर्जर तार को बदला है। इसलिए और आम तौर पर आप देखिएगा कि आज ग्रामीण क्षेत्र हो तो 18 से 22 घंटा की उपलब्धता बिजली की रहती है, शहरी क्षेत्र हो 22 से 24 घंटा की बिजली की उपलब्धता रहती है। और साथियों, यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल यह माध्यम ऊर्जा की उपलब्धता नहीं हमारी उपलब्धि है, इसके विभिन्न उपादान है, ये महत्वपूर्ण है। अगर बिजली की उपलब्धता हुई तो हर घर में बिजली की उपयोगिता बढ़ गई, रोजगार के साधन नए सृजित हुए, इससे जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग लोग करने लगे तो स्वाभाविक है जो उसमें दक्ष लोग हैं उनको सुविधाएं मिली, बाजार उनको घर के बगल में मिला। इसके अलावा जो केरोसिन तेल या मोमबत्ती का जो उपयोग करते थे उससे जो प्रदूषण में भी कमी आई, तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और बिजली उपकरण से जुड़े हुए छोटे लघु उद्योग प्रारंभ हुए, जो छोटे छोटे एप्रेटस थे
उस दिशा में काम शुरू हुआ। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग की श्रृंखलाएं बनने लगी। बाजार चट्टी जो कानून का राज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, ऐसा कोई प्रखंड नहीं है जहां 5, 7, 8, 10 बाजार और चट्टी के रूप में डेवलप नहीं किया और बिजली की उपलब्धता से 9 बजे 10 बजे रात तक के लोग दुकान खोल करके बैठते हैं। तो यह भी एक बिजली के क्षेत्र में उपलब्धता के चलते एक नया व्यवस्थागत आधार हुआ। और कृषि के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण इसलिए है, यह कृषि प्रधान राज्य है बिहार, तो आप देखते होंगे डीजल सब्सिडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया। इसके पहले डीजल सब्सिडी किस चिड़िया का नाम था कोई जानता नहीं था, नरसंहार जानता था लोग, लेकिन डीजल सब्सिडी किसको कहते हैं यह कोई नहीं जानता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित किया तो एक आप कल्पना करिए कि एक लीटर डीजल अगर कोई किसान खर्च करता है और बिजली की उपलब्धता हो जाती है, दोनों में कितना अंतर आ जाता है, किसानों को कितना इससे लाभ मिला। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने जो काम किया है और बिजली का कनेक्शन हर घर तक जिन लोगों ने डिमांड किया है, हर हाउस होल्ड तक हमने देने की कोशिश की है और लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि बिजली से जुड़े हुए बहुत सारे मामले में राज्य सरकार ने जो उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, तो जब बिजली पहुंचा दिए, बल्ब पहुंचा दिए, घर घर रोशनी से जगायमान हो गया, तो लालटेन का जरूरत अब है? लालटेन को तो लोग भूल गया है, अब तो भगवान के मंदिर में भी बल्ब जलते हैं, मस्जिद में भी, गुरुद्वारा में भी, चर्च में भी। तब लालटेन तो केवल दागी नेताओं के घर में कैद खाने में कैद है, जनता तो उससे आजाद होकर कर करके अब बिजली की चकाचौंध में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है उसमें निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और बिजली की उपलब्धता ने बिहार के विकास को और गति दिया है और ये बिजली की जो हमारी निरंतर उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों के बदौलत हम बिहार को विकसित राज्य बनाने का जो हमारा संकल्प है उस संकल्प को हम नया रूप देंगे। आज का विषय केवल यह है, मेरे अधिकार में इतना ही है। नहीं, विद्युत नियामक संस्था है, इसके लिए हर व्यक्ति को अधिकार है, यह डेमोक्रेटिक बॉडी है, कंपनी बनाया गया है इसीलिए कि आप जाकर के अपनी आपत्ति को व्यक्त कर सकते हैं कि भाई बिजली के दर में उसके विभिन्न कंपोनेंट बताए जाते हैं कि क्या कारण है। इसलिए बिजली का दर तय करने का अधिकार विद्युत नियामक कंपनी को है और उसमें हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है। तो अपनी अब इसकी जानकारी मुझे नहीं, इतना जानकारी है कि बिजली में हम सब्सिडी देते हैं जो आपको भी मिलता होगा, उसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार कितना सब्सिडी दे रही है। नहीं, वो तो मानक तय है ना भाई, सब्सिडी सरकार देती है। बिहार में कोयला खदान नहीं है, आप पता लगा लीजिए कि जिन राज्यों में है वो भी बिजली नहीं पहुंचा पाए घर घर, हम घर घर बिजली पहुंचा दिया। अरे भाई, बिहार का खपत है अभी अभी घर घर, बिहार में जो मानव विकास सूचकांक है उस सूचकांक में घर घर बिजली पहुंची है, हर खेत तक बिजली पहुंच रही है, तो खपत बढ़ेगा मेरा। आवाज नहीं आ रही आपकी? अरे वो तो टेम्पोररी कभी कभी होता है प्रॉब्लम, अब वो दौर नहीं है कि बिजली के संबंध में कोई सूचना दीजिएगा तो पदाधिकारी को एकदम लोक शिकायत निवारण कानून में ये दायित्व सौंप दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि अनवरत चलाते रहिए आप, नहीं, समय सीमा के तहत उसका निवारण करना होगा उनको। चलिए, आज का विषय यही है।
बता देते हैं।